ट्यूपल स्लाइसेस, तो स्लाइस जो है ट्यूपल पे भी काम करता है। अगर आप एक से ज्यादा सिलेक्टेड वैल्यू दिखाना चाहते हैं आउटपुट स्ट्रीम में, तो आप ट्यूपल की स्लाइसिंग यूज करेंगे। स्लाइस हम यूज करते हैं बाउंड्रीज की तरह, और जो एलिमेंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो बाउंड्री के बीच में होंगे। मतलब ये पूरा अगर यहां से यहां तक है, आपने बाउंड्री डिसाइड कर ली, तो ये वैल्यू उसमें आ जाएगी। सिंटेक्स उसका कुछ इस तरीके से होगा, सीक्वेंस है ये ट्यूपल है आपका, यहां पर आपको स्टार्ट देना पड़ेगा, स्टॉप देना पड़ेगा, स्टेप देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही जो आपके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल कह सकते हैं, या कंटेंट कह सकते हैं, ये सारे के सारे, या इंडेक्स कह सकते हैं, ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल है। पहला छोड़ दीजिएगा तो जीरो से शुरू हो जाएगा, ये छोड़ दीजिएगा तो ये आपको आखिरी तक ले जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हर एक स्टेप वन हो जाएगा। जैसे आपने कहा टी, ये आपका एक सीक्वेंस है, आपने कहा टी वन में जरा ये असाइन कर दीजिए दो से लेकर चार तक, तो ये जीरो वन टू थ्री फोर, आप कह रहे हैं दो से लेकर चार तक, एक दो से लेकर चार तक असाइन कर दीजिए, तो ये दो से शुरू होगा। ध्यान रखिएगा चार तक नहीं पहुंचेगा, ये चार से चार बाउंड्री है, तो ये दो और तीन ये इसको असाइन कर देगा, यानी कि 30 और 40 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दो से लेकर चले चार तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 4-1 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो 30 और 40 ही आएगा। अगर आपने कहा टी कोलन, यहां कुछ नहीं दिया, यहां कुछ नहीं दिया, तो पूरी की पूरी जो लिस्ट एग्जैक्ट टी वाली यही आ जाएगी, लिस्ट नहीं, ये आपका ट्यूपल ऐसे ही आ जाएगा, ये उसी की कॉपी दिखा देगा आपको। अगर आप करते हैं कोलन कोलन टू, तो इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, आप कह रहे हैं कि मैं शुरुआत भी नहीं बताऊंगा, एंड भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टेप दो से आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले 10 आएगा, यहां जाने की जगह ये दो स्टेप बढ़ जाएगा, 30 आएगा, फिर यहां जाने की जगह ये दो स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, 10, 30 और 50 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से करेंगे आप कोलन 3, तो ये तो आपने देख लिया कि अल्टरनेट कैसे होगा। अगर आप कोलन 3 देते फिर क्या होगा आपको, तो आपने कहा देखिए मैं चाहता हूं कि 3 तक वैल्यू, हमारी वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी, हमारे पास था 10, 20, 30, 40, 50, 10 यहां लिखता हूं, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 भी है, ओके 50 भी है, राइट, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है इंडेक्सेस का। इन्होंने कहा 3 तक जाइए। अब ध्यान रखिए ये जो होता है हाईएस्ट बाउंड्री, ये कभी यहां तक नहीं पहुंचता, 3-1 मतलब 2 तक पहुंचेगा, 0, 1, 2, 10, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा यहां पे, ऐसे 10, 20, 30 प्रिंट होगा। आप कहते हैं टी 2 कोलन 2 से आगे बढ़िए, बाकी सब दिखा दीजिए, एंड तक ले जाएगा ये आपको, तो 2 क्या है ये, तो 30 से लेकर 40-50, 30-40-50, ये आपको 30-40-50 दिखा देगा 2 से लेकर एंड तक।